मध्य प्रदेश में कटनी जिले के निवासी बच्चे सहित 30 लोग कर्नाटक राज्य में बंधक बना लिए गए हैं। दरअसल ये लोग रोजगार की तलाश में कटनी से कर्नाटक गए हुए थे। ऐसे में अब ये लोग कटनी प्रशासन और शासन से घर वापसी की मांग कर रहे हैं। कटनी जिले के रहवासियों को एक बार फिर से कर्नाटक में बंधक बना लिया गया है। रोजगार की तलाश में निकले बच्चे समेत 30 लोगों को ऊंचे दाम देने का आश्वासन देकर पहले तो महाराष्ट्र गन्ने की कटवाई के लिए ले गए, जहां पर दूसरे दलाल के चक्कर में फंसकर सभी मजदूर कर्नाटक पहुंच गए। बताया ये जा रहा है कि बंधक बने सभी मजदूर बोहरी बंध के कोड़िया गांव के निवासी हैं और इन्हें महाराष्ट्र के ठेकेदार के द्वारा ज़्यादा पैसे की लालच देकर गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया था, लेकिन उनको वहां पर मजदूरी के मुताबिक भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर कर्नाटक का एक ठेकेदार उन्हें ज़्यादा मजदूरी के नाम का आश्वासन देकर कर्नाटक ले गया। वहाँ पर 10 से 12 घंटे लगातार काम लेने के बाद जब मजदूर खाना और मजदूरी मांगते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो बनाकर स्थानीय विधायक प्रणय पांडे और कलेक्टर अभि प्रसाद को भेजा है और उन्हें अपनी व्यथा बताते हुए कर्नाटक से रिहा कराने की मांग की है। पूरे मामले पर कलेक्टर अभि प्रसाद का बताया कि कर्नाटक अब जिला प्रशासन से बात हुई है और सभी लोगों को जल्द ही वापस कटनी लाया जाएगा। बच्चे भूखे हैं, कौड़िया 4 दिन से हो गए, हम कौड़िया के हैं, हमारे बाल बच्चे भी भूखे रो रहे हैं। हम क्या करेंगे, कोई सुनाई नहीं है, थाने के यहाँ है, हम थाने गन्ना काट भी आए तो हिसाब नहीं हो रहा है। थाने गए सर, हम भूखे लांगे, बाल बच्चे कहाँ तक रेंगाएंगे, कहाँ तक हम पैदल हटाएंगे, कहाँ तक भूखे प्यासे हिटेंगे सर, हम यहाँ तो लगता है हम ही मर जाएंगे। देखिए, आज सूचना मिली है और इसी के संबंध में भी माननीय विधायक वरीबन भी यहाँ पर चर्चा के लिए मेरे पास आए हुए हैं। इसमें सूचना ये मिली है कि सलीमनाबाद तहसील के कौड़िया गांव के लगभग 28 लोग, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं, वो महाराष्ट्र गए थे गन्ने से संबंधित कृषि कार्य करने के लिए और फिर वहाँ से उनको कर्नाटका ले जाया गया है। तो सूचना आने पर तत्काल मेरे द्वारा कर्नाटका के बेलगावी जिले के कलेक्टर श्री नितेश पाटिल जी से बात की गई। और अब आपको बता दें कि कटनी प्रशासन सक्रिय हो गया है और इन सभी को अब लाने की कवायद तेज कर दी गई है। ये सभी मजदूर अब परेशान हैं, ना खाना मिल पा रहा है, ना मजदूरी मिल रही है इन्हें। इन सभी ने कटनी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि झूठा आश्वासन देकर इन सभी को कर्नाटक ले जाया गया और जहां पर इनसे मजदूरी कराई जाती है 12 से 13 घंटे, और उसके बावजूद भी ना तो ढंग का खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें मेहनताना दिया जा रहा है, जिससे सभी मजदूर अपने आप को बंधक बना हुआ महसूस कर रहे हैं और वह प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बनाकर स्थानीय विधायक और कलेक्टर को भेजा है। इसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कर्नाटक जिला प्रशासन से भी फोन पर बात की और उनका कहना है कि जल्द ही सभी मजदूरों को वापस लाया जाएगा। आपको बताते चलें कि सभी मजदूर अब मदद की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। हालांकि ये कवायद तेज़ कर दी है वहां के कलेक्टर ने, और जिस तरह से मजदूर जहां फंसे हुए हैं कर्नाटक में, वहां के ज़िला प्रशासन से भी बात की है और उन्हें अब जल्द ही वहां से मुक्त कराकर वापस गांव लाया जाएगा। आपको बता दें कि ये पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए ये सभी मजदूर अन्य प्रदेशों में जाते हैं काम ढूंढने के लिए और वहाँ पर यह मजदूरी के लिए भटकते हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला कटनी से जुड़ा हुआ है, जहाँ के मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए हैं और वह अब मदद की गुहार लगा रहे हैं।
महाराष्ट्र के ठेकेदार के द्वारा ज्यादा पैसे के लालच में इन्हें बुलाया गया था। आपको बता दें कि कोड़िया गांव के सभी निवासी हैं, जहां अब इन्हें फिर से कर्नाटक से लाने की कवायद तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र के ठेकेदार द्वारा ज्यादा पैसे के लालच में गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहां से ज्यादा पैसे देने के चक्कर में इन्हें कर्नाटक ले जाया गया, जहां इन्हें बंधक बना लिया गया। न खाना दिया जा रहा है, ना ही मजदूरी दी जा रही है। और हमारे साथ मजदूर जो वहां पर फंसे हुए थे प्यारेलाल, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारेलाल जी, क्या परेशानी वहां पर हो रही थी और आप लोग क्यों, कितने पैसे का लालच दिया गया था जिससे कर्नाटक पहुंच गए? कैसे सर? कर्नाटक आप पहुंच गए, क्या ऐसी परेशानी थी वहां पर आपको जिसकी वजह से आपने प्रशासन से गुहार लगाई कि वहां से उन्हें बुलाया जाए, वहां से बात करके कलेक्टर से कि हमें वापस से यहाँ से छुड़वाया जाए, इन लोगों ने बंधक बना रखा है, क्यों मदद की गुहार लगाई? हाँ सर, इसलिए लगाई कि हमको यहाँ से बुला के लाएगी, 22 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी, 400 रुपया मिलेगा आपको। ठीक है, हम को MP से लाए, 400 रुपया आपको मिलेगा आपका टीम एक आदमी को। ठीक है, और जब यहाँ आए तो हमको 22 दिन हुआ, तो 22 दिन के बाद बोलते हैं कि 1 तारीख को मिलेगा, एक तारीख के बाद फिर बोलते हैं कि 12 तारीख को मिलेगा, फिर 12 तारीख के बाद बोलते हैं कि 22 तारीख को मिलेगा, अब 22 के बाद बोलते हैं कि फिर 4 तारीख को मिलेगा, और 4 तारीख आने वाली है सारा, वो बोलने लगा कि हम 200 रुपया देंगे और 250 रुपया देता, हमारे 250 रुपया में क्या होता सर, लड़के बच्चे लिए। ठीक है, अभी जो कटनी प्रशासन ने मदद की गुहार जो आपने उनसे लगाई थी, उन्होंने पहल भी की है, क्या कुछ मदद पहुंची आप तक? हाँ, कोई मदद तो मिली सर हमारे को, जो कलेक्टर साहब बोले थे वो मदद हमको मिल रही है, और खाने पीने को मिला हमको सर। ठीक है, क्या हमारे बच्चे तो सब भूखे थे, वापस अपने गांव के लिए प्रस्थान अभी तक किए हैं, व्यवस्था की गई है कि? हाँ, वो मदद दिए हमको, तो यहाँ से हमारी व्यवस्था हो रही है सर, और स्टेशन पहुँचाया जा रहा है हमको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंधु, हमारा तो ये निवेदन है सर कि हमारा जो हमारे 2 महीने किए काम, तो हमारा भी कुछ, हमारे लड़के बच्चे खून पसीना बहाए थे सर, उनका हमारा थोड़ा पैसा तो मिल जाता सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन से आपने मदद मांगी है तो जरूर आपकी जाएगी। शासन से तो अपन मदद मांग रहे हो कि मालिक हमारी करो, हम ऐसे ना होते, गरीब ना होते सर, तो हम इतने दूर क्यों आते, पैसे के लोग में तो आए। आपकी बात प्रशासन तक पहुंच गई है और आपको जल्द ही मदद मिलेगी, जो भी परेशानी होगी वो आपकी दूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर। और ये थे हमारे साथ मजदूर जो फंसे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि उनके पैसे भी मार लिए गए हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा था, लेकिन अब प्रशासन से जब से मदद मांगी है तब से उन्हें खाना पीना भी दिया गया और स्टेशन के लिए उन्हें छुड़वाया भी गया है। बताया जा रहा है कि बंधक बने सभी मजदूर बोहरी बंद के कोड़िया गांव के निवासी हैं और इन्हें महाराष्ट्र के ठेकेदार के द्वारा ज़्यादा पैसे के लालच में देकर गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया था, और उनको वहां पर बताया गया कि मजदूरी के मुताबिक भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसका फ़ायदा एक दूसरे कर्नाटक के ठेकेदार ने उठाया और उन्हें कर्नाटक ले गया, जहां से 10-12 घंटे काम कराया जाता था, खाना भी नहीं दे रहे थे, जिसके बाद प्रशासन से गुहार लगाई है और प्रशासन अब इस पूरे मामले में सक्रिय हुआ है, तो अब उनकी मदद की जा रही है।
मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो बनाकर स्थानीय विधायक को और कलेक्टर को भेजा। इसके बाद प्रशासन ने अब उनकी मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक मलाल है कि उनके पैसे जो मार लिए गए हैं ठेकेदार के द्वारा, जैसे कि अभी हमने फोन पर बात की है, एमकेएन न्यूज ने जब इस पर पहल की तो हो सकता है कि अब प्रशासन जो भी मदद बन सकती है उसके अलावा जो उनके पैसे मारे गए हैं उसकी भी व्यवस्था कराए, वहाँ के ठेकेदार या प्रशासन से बात करके जो इनकी मेहनत बनती है, जितना भी मेहनताना इनका बनता है, वो शायद मजदूरों को दिलाया जाए। हालांकि ये घर वापसी तो कर रही हैं, लेकिन दिल में इनके अभी भी मलाल है कि कहीं ना कहीं उनके पैसे उन्हें अटक गए हैं, जो उन्होंने मजदूरी की, जो पसीना बहाया, वो पैसे उन्हें नहीं मिले। आप इस देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे भी उनके साथ हैं, महिलाएँ भी साथ हैं, और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में आज भी यह पलायन की समस्या खत्म नहीं हुई है। जानकारी से जायद हुसैन भी जुड़ गए। जायद, कटनी से ये पहला मामला शायद नहीं होगा, इससे पहले भी कई ऐसे मामले शायद आते रहे हैं कि कई जो मजदूर जाते हैं पैसे के लालच में पलायन करके फिर वहाँ पे बंधक बना लिए जाते हैं या उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है। तो यहाँ का जो प्रशासन है ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्यों नहीं निकालता कि सरकार की इतनी स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो मजदूरों तक पहुँचाई जाएँ, जिससे उन्हें दूसरे किसी प्रदेश में पलायन करके ना जाना पड़े। इसमें कहा जा सकता है सर कि सीधा सीधा मामला है रोजगार देने के लिए, शासन की जो योजना है मनरेगा हो गई या बंधक योजना, तमाम तरह की कई अन्य योजना है, आवास योजना है, इन योजनाओं में मजदूरी के लिए कार्य पर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए इन तमाम योजनाओं का अगर मजदूरों को लाभ मिलता या काम कर रहे होते तो आज इन्हें पलायन न करना पड़ता, किसी बिचौलियों के शिकार ना होते और ये बंधक ना बनाए जाते। सीधा सीधा है कि स्थानीय प्रशासन के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारियों की कहीं ना कहीं नाकामी है और उदासीनता का नतीजा है, मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है कि जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण ये मजदूर मजबूरी बस किसी दूसरे प्रदेश में चंद पैसों के लिए जाते हैं और परेशान होते हैं।